ब्रेक में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 2 सेकंड्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो कुछ स्टेप को हमें ध्यान रखना है, फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने आपको? 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि टेंथ प्लेस की जो नंबर है उनको अगर हम प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं तो उसका आंसर 10 आना चाहिए। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरे की ये जो हमारे वंस प्लेस के नंबर है वो होने चाहिए सेम टू सेम, जैसे हमारे हाथ सेम है ऐसे ही ये नंबर होने चाहिए सेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वंस प्लेस के सारे नंबर सेम लिखे। तो चलिए इसे करते हैं कैलकुलेट विद इन 2 सेकंड में फटाफट। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत ही मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों नंबर का करना है मल्टीप्लाई। तो 2 2 होता है 4 होता है, लेकिन हमें टेंस का नंबर भी लिखना है। तो यहाँ पे टेंस नंबर नहीं दिया है तो 0 लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे 7 7 49 है तो 49 तो बच्चों पूरा आ जाएगा, है ना। लेकिन जब ऐसा हो कि हमारा एक ही नंबर आ रहा है, वंस प्लेस का टेंस प्लेस का नंबर नहीं पता है, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे हम? 0। ओके बच्चों, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? इन दोनों नंबर को करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 2 8 16 और इस नंबर से करेंगे प्लस, ठीक है। तो 2 8 16 16 प्लस 2 18, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 1804 हुआ ना फटाफट। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुका था 7 7 49, 6 4 24 24 में 7 प्लस करते 24 25 26 27 28 29 30 31, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3149। तो आया ना हमारा फटाफट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 7 49 और 5 5 25 26 27 28 29 30 31 32, तो इसका आंसर आया हमारा 3249। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 6 6 36 और 1 9 9, 9 में हमने 6 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 15। हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही इजी है, कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बच्चों को जब 12th पास कर लेते हैं, किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं, तब उन्हें सिखाए जाते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करा सकते हैं, उन्हें शुरू से ही आप मोटिवेट करें। तो यहाँ पे देखिए हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 5 25 और मैंने क्या कहा था, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, जितना आंसर आएगा उसे करेंगे प्लस। 3 7 21 21 में 5 प्लस किया तो कितना आंसर आया बच्चों? 26। सेम आंसर है यहाँ पे 4 4 16, ठीक है। और यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 6 24 24 में हमने 4 प्लस किया तो आंसर आया 28। हो गए ना सारे आंसर हमारे फटाफट। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिंगर एबेकस के लिए, स्पेशली फिंगर एबेकस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी फिंगर एबेकस की वीडियो आएगी।